शादी की बात किया तो लैट्रिन जाना पड़ता है या उल्टी होती है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है और उसके अंतर्गत काफ़ी पेशेंट्स हम ऑनलाइन भी देखते हैं। अभी मुझे कुछ दिन पहले एक पेशेंट का फ़ोन आया और उनका ये कहना था कि उसको खाना खाने के बाद उल्टियाँ होती है या खाना खाने के बाद में उसको लेटरिन जाना पड़ता है। और यह भी मेरे पास में उसकी हिस्ट्री शीट ही है सामने, है ना, खाना खाने के बाद में होता है, उसको काफ़ी तनाव आते रहता है और चिंता लगती है, उदासपना लगता है, उदासीनता लगती है, डिप्रेशन, नर्वसनेस, और वो खाना खाने के बाद में उसको काफ़ी बार ऐसा होता है। फिर मैंने उसको बोला कि पूछा कि भाई क्या है ऐसा, क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है, खाना खाने के बाद में ऐसा क्यों होता है। जब उसका इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो फिर उसने बताया कि भाई शादी का, स्पेशली शादी की बात निकाली तो ऐसा होता है। तो शादी की बात निकाली तो एकदम बेचैनी होना, अस्वस्थ लगना और उसको लगना कि नहीं नहीं मैंने शादी नहीं करनी चाहिए। फिर घर के लोग बहुत प्रेशर कर रहे, उसको डाल रहे, परेशान कर रहे उसको कि नहीं शादी क्यों नहीं करना, ये उसको समझ में नहीं आ रहा कि शादी क्यों नहीं करने का है। और बोलता नहीं नहीं मेरे को तो, मतलब इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी होती है। और फिर ये घबराहट बेचैनी में क्या हो गया कि एक दो बार उसको मतलब ऐसा टाइम निकाला बातचीत करने के लिए, टाइम निकाले, बैठे, शादी का विषय निकाला और बाद में तुरंत खाना खाने बैठे, खाना खाने बैठे उल्टियाँ हो गई। तो ये चालू हो गई हैबिट की भाई खाना खाना तो उल्टी होना, मतलब ऐसा रिलेशनशिप हो गया। अभी उसको कभी लगता कि भाई मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि जब घर के लोग बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं शादी करो शादी करो, और यहाँ तो उसको बेचैनी, घबराहट हो जाती शादी का नाम निकाला तो लगता कि भाई खुदकुशी कर लूँ, मर गए तो अच्छा है, यहाँ से छुटकारा पाऊँ। तो उन्होंने क्या हो गया, क्या अभी ऐसा क्या लगता है, तो उसको ये डर लगता है कि क्या मेरे लिंग में कठोरता आएंगी कि नहीं आएंगी, क्या मैं सेक्स कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या वो लड़की जो है जिसके साथ मैं शादी करूँगा उसको मैं समाधानी करूँगा कि नहीं करूँगा, उसको संतोष मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं नहीं कर पाऊँगा तो दूसरी ज़िंदगी क्यों खराब करने का है दूसरे की, उससे अच्छा अभी नहीं बोल दिया तो अच्छा है। मतलब ऐसे उसके काफ़ी सारे विचार उसको आते रहते हैं और फिर उसमें फिर वो बोलता है कि नहीं अभी मुझे शादी करने नहीं, क्योंकि मुझे दूसरों की इसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी नहीं है। और अच्छा, फिर उसको मैंने पूछा कि क्या आपको इरेक्शन आता है, बोले हाँ इरेक्शन तो आता है। कब आता है, मॉर्निंग इरेक्शन आता है। अच्छा, कभी आपने कोई लड़की के साथ में सेक्स किया था, नहीं, बोले कभी नहीं किया। फिर ये सेक्स करना या सोचना या घबराहट आना, बेचैनी आना चालू कैसे हुआ, तो कोई समझ में नहीं आ रहा। फिर उसको मैंने हिप्नोटाइज किया, मतलब अपन हिप्नोटिज्म के सेशन करेंगे। फिर उसको हिप्नोटाइज किया, हिप्नोटाइज करने के बाद में उसको जब पीछे 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 लेके गया मैं, तो उसको एकदम याद आना धीरे 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 चालू हो गया कि वो 5 साल का जब था तो उसका मामा जो था, तो उसके मामा ने उसके ऊपर लैंगिक अत्याचार किया था। उसको थोड़ा सा ऐसा क्लियरली याद नहीं, मगर उसने उसको कपड़े निकालने लगाया, मामा ने खुद ने कपड़े निकाले और मामा ने उसके साथ में लैंगिक अत्याचार किया, उसको मास्टरबेशन करने लगाया मामा ने उसका खुद का, और उसके साथ में काफ़ी गलत व्यवहार किया। और फिर मामा का जब जब मिलता था तो ऐसा करता था और उसको धौस भी देता था कि तू कभी किसको बोलेगा तो देख। तो मामा जब भी इनके घर में आता था या मामा के घर में जाता था तो ऐसा होता था। और फिर वो उसने अपने माँ को बताया तो माँ ने विश्वास ही नहीं किया, बोली मेरा भाई तो ऐसा कर ही सकता नहीं है और तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि मामा ने भी बोला कि मैं ऐसा करता ही नहीं हूँ। तो उसमें फिर वो दब गया, मामा ने उसको थ्रेटन कर दिया कि मैं तेरे को तो मार डालूंगा तो ऐसा बोलेगा तो वगैरह। और उसमें फिर वो धीरे धीरे जैसा बड़ा होते गया तो वो धीरे धीरे कम हो गया, मगर उसके दिमाग में एक वो घबराहट हो गई तैयार सेक्स के बारे में, बेचैनी तैयार हो गई कि सेक्स बोले तो घबराहट, कुछ तो भी गड़बड़ है, कुछ तो भी होने वाला है और वो अच्छा नहीं है। और फिर उसका वो शादी का उसमें वो रूपांतर हो गया और बाद में अभी उसको सिर्फ मॉर्निंग में कठोरता आती है, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि आप आधे नींद में आधे जागृत अवस्था में रहते हैं तो उस समय कठोरता आ जाती है। जब वो जागृत रहता है पूरा तो उसको डर है दिन भर में या शाम को सोने के, तो उसको डर, तो डरा हुआ जब है तो कठोरता आती नहीं है। मतलब उसका देखो कितना डायरेक्ट संबंध है, लिंग में कठोरता आना और अपना दिमाग का टेंशन, इसको डायरेक्ट संबंध है उसका। जब लिंग में, मतलब ये दिमाग में जब एकदम रिलैक्सेशन है, सोया हुआ है, तो लिंग में कठोरता आ रही है ऑटोमेटिक नेचुरल, क्योंकि वो उस समय सपने देखता होगा, कुछ ना कुछ चालू रहेगा दिमाग में, तो उसको कठोरता आ जाती है, इरेक्ट हो जाता है। तो उसको फिर मैंने बोला ठीक है हम क्या करेंगे, अभी हम हिप्नोटिज्म के सेशन करेंगे और हिप्नोटिज्म के सेशन करके मैं धीरे धीरे आपके मन में जो बैठा हुआ है वो निकालूंगा। तो उसको मैंने हिप्नोटिज्म के सेशन किए, उसको ये भी बताया कि जो हुआ वो
20 साल पहले हुआ, अभी वो उसकी 25 साल की उम्र है, 20 साल पहले हुआ। अब 20 साल पहले हुआ, अभी हो रहा है? बोले नहीं अभी तो नहीं हो रहा है। बोला अभी नहीं हो रहा है वो, फिर अभी क्या हो रहा है? अभी सिर्फ डर हो रहा है, अभी घबराहट है, अभी बेचैनी, वो हो रहा है अभी। मगर उसकी जो स्टोरी है, क्या स्टोरी है तुम्हारी? उसकी जो स्टोरी है वो आपने क्या बना के बनी रखी हुई है? बोले हाँ कि मैं कमजोर हूँ, मैं एकदम वीक हूँ, मेरे में कोई ताकत नहीं विरोध करने की, और सेक्स बोले तो वो गंदा है और वो अच्छा नहीं है, और वो बहुत मतलब बलात्कार जैसा, ऐसा कुछ तो भी उसको ये दिमाग में था कि कुछ तो भी करने वाले आक्रमण है ऐसा। तो वो जो है वो आपको अभी तकलीफ दे रहा है कि मैं कमजोर हूँ, मैं वीक हूँ और मेरा फायदा उठाया जा रहा है। मतलब ये स्टोरी अभी बाजू में रखो, जो हो गया वो 20 साल पहले हुआ। तो उसके साथ में साइकोथेरेपी किया, हिप्नोथेरेपी किया और वो ठीक हो गया। बोले ठीक है, अभी मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। उसको थोड़ी दवाई भी दिया मैंने एंग्जाइटी कम करने की, कुछ दिनों में अच्छा हो गया, बाद में उसकी शादी भी हो गई। ठीक है ना? तो ये इस तरह का ये पेशेंट है। आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम्स ऐसे हुए रहते हैं और फिर वो परेशान होते रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू।